हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स सिक्स सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट मेकाट्रॉनिक्स का एक यूनिट है ड्राइव्स। ठीक है, ड्राइव्स को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ड्राइव्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस सब्जेक्ट में हमको देखना है बेसिकली इलेक्ट्रिकल ड्राइव और मैकेनिकल ड्राइव के बारे में पढ़ना है हमें। इलेक्ट्रिकल ड्राइव को मैं यहाँ पे डील करने वाला हूँ कि ड्राइव होता क्या है। इलेक्ट्रिकल ड्राइव जैसे स्टेपर मोटर और सर्वो ड्राइव आपके जो सिलेबस में मेंशन किया गया है उसी को यहाँ पे पढ़ा जाएगा। आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ड्राइव होता क्या है, व्हाट इज ड्राइव। ठीक है, ड्राइव पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, और ड्राइव का एक बेसिक सा एग्जाम्पल लें। बेसिक एग्जाम्पल बोलने का मतलब कि आप लोग ड्राइव पढ़ने के लिए आप लोग सबसे पहले देखिए, आप लोग के जो डेली लाइफ है, डेली लाइफ में आप लोग देखे होंगे जो रोलिंग मिल होता है, मिल बोलने के मैंने आटा चक्की का जो मिल होता है वो सब आप लोग देखे होंगे। वो जीता जागता हुआ हमारा एक एग्जाम्पल है ड्राइव का। ठीक है, ड्राइव इज नथिंग बट ड्राइव कुछ होता नहीं है, ड्राइव एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। ठीक है, जो क्या करता है, जिस भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम इनपुट में सेंड कर रहे हैं उसको सर एक कंट्रोल करता है ड्राइव। ठीक है, और वैसा सिस्टम जो किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन के स्पीड को कंट्रोल करता है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक ड्राइव। ठीक है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव। ठीक है, करने का मतलब इलेक्ट्रिक ड्राइव सर इनपुट को सर कंट्रोल स्पीड को कंट्रोल करने वाला है। करने का मतलब है कि सर जैसे आप लोग को मैंने अभी एग्जाम्पल जो बताया, एग्जाम्पल क्या बताया कि आटा चक्की का जो मशीन है, जो पूरा वो सिस्टम बना हुआ है, देखे होंगे आप लोग एक मोटर से चल रहा है। ठीक है, एक मोटर से चलता है, एक मोटर से उसका जो आउटपुट में जो शाफ्ट लगा रहता है, शाफ्ट से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स वहाँ पे कनेक्ट रहते हैं, इक्विपमेंट्स अप्लायंसेस जो होते हैं कनेक्ट होते हैं, जो पूरे उस सिस्टम को क्या कर रही होती है, रन कर रही होती है। ठीक है, तो सर हमको क्या चाहिए, उस जैसे वो सिस्टम चल रही है तो ये नहीं ना चाहिए कि पूरा सिस्टम सर एक बैग पूरा बहुत हाई स्पीड पर चले या बहुत ही लो स्पीड पर चले। उसी को पढ़ने के लिए सर हम लोग उसी को समझने के लिए हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव का, कि सर हमारा स्पीड का जो कंट्रोल चाहिए वो कैसा चाहिए। ठीक है, तो सर ड्राइव का बेसिकली यहाँ पे आप लोग का यहाँ पे डिफिनेशन भी लिखा हुआ है, ड्राइव इज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट हार्नेस एंड कंट्रोल द इलेक्ट्रिक एनर्जी सेंड टू द मोटर। जो मोटर को सर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेंड करते हैं उसको कंट्रोल करता है क्या, ड्राइव। और वैसे सिस्टम जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल मशीन के मोशंस को कंट्रोल करता है, डेट इज नॉन एज उसको बोलते हैं सर हम लोग क्या, इलेक्ट्रिकल ड्राइव। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ड्राइव, देखो इलेक्ट्रिकल ड्राइव जो होता है ना एक प्रकार का सर ऑटोमेटिक स्पीड कंट्रोल ड्राइव होता है। ऑटोमेटिक स्पीड कंट्रोल कहने का मतलब क्या हुआ कि सर इसमें जो ऑटोमेटिक स्पीड कंट्रोल करने का मतलब ये हुआ कि जो स्पीड का जो कंट्रोल होगा इसमें ऑटोमेटिक होगा, बाहर से हमें किसी प्रकार की स्पीड कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एज ए एग्जाम्पल अगर मैं समझाऊँ तो सबसे पहले कहने की क्या बात है कि देखो जैसे वहाँ पे आटा चक्की के जो मशीन में वहाँ पे जो ड्राइव चल रही है, मोटर चल रही है, सर हमें स्पीड को कंट्रोल करना है। स्पीड को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, वहाँ से बाहर जाकर के हम अपने हाथ से थोड़े ना लगा लेंगे, हाथ लगाएंगे तो फिर समझ ही रहो क्या होने वाला है। डेट्स वाई सर इसमें एक प्रकार का एक इसका अंदर का जो फंक्शंस होता है उसी की तरह से ऑटोमेटिक अपना स्पीड को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसा मुझे स्पीड चाहिए वैसा कंट्रोल यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस ड्राइव जो होता है एक तरह से क्लोज लूप सिस्टम की तरह वर्क करती है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे, और इसका हम लोग इलेक्ट्रिकल ड्राइव का जो यूज करते हैं हम लोग बोथ कॉमर्शियल एंड डोमेस्टिक अप्लायंसेस में यूज करते हैं। अब देखा जाए कॉमर्शियल कहने का मतलब इंडस्ट्री में, जैसे रोलिंग मिल्स और फिर हो गया क्या आपका, हो गया लेथ मशीन वगैरह वगैरह जितने भी हैं वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कॉमर्शियल। और जब बात करते हैं डोमेस्टिकल मतलब कि डोमेस्टिक घरेलू अप्लायंसेस में, तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, जैसे आप लोग चलाए होंगे ड्रिलिंग मशीन, ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर, ऐसे ऐसे अप्लायंसेस में हम लोग ड्राइव का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल ड्राइव का। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ ड्राइव का हम लोग समझेंगे। यही है आपका पूरा ड्राइव का खेल, और यहीं से हम लोग देखेंगे कि ड्राइव होता क्या है बेसिकली। ठीक है, देखिए सबसे पहले इस ड्राइव में हम लोग इसका ब्लॉक डायग्राम को आप लोग देखिए, सॉरी सोर्स लगा रहता है, एक पावर मॉड्यूलेटर होता है, एक मोटर होता है, एक लोड होता है। ठीक है, और मैं बेसिकली बात करूं अगर यहां तक ये पूरा जो सिस्टम है मेरा,
ये सिस्टम जो है ये मेरा एक ड्राइव का सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिक ड्राइव का सिस्टम होता है। ये दोनों क्या है अभी के लिए भूल जाओ, कुछ नहीं जानते इन दोनों के बारे में अभी क्या है। देखो यार आप लोग को एक थोड़ी सी छोटी सी चीज़ की नॉलेज होगी, व्हाट इज क्लोजली क्लोज लूप सिस्टम और ओपन लूप सिस्टम। देखिए बेसिकली मैं बताऊँ, क्लोज लूप सिस्टम उसको बोलते हैं जिसमें फीडबैक का कंट्रोल दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज क्लोज लूप। और ओपन लूप सिस्टम होता है, ओपन लूप जो सिस्टम होता है वो क्या होता है जिसमें किसी प्रकार की फीडबैक की यूज नहीं करते हैं, डेट इज कॉल्ड ओपन लूप सिस्टम। और ओपन लूप सिस्टम जो होता है उतना इफिशियंट नहीं होता है एज कम्पेयर टू क्लोज लूप सिस्टम। अभी जस्ट इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसका, इस इतने चीज को, ठीक है। देखो क्या होता है, जैसे ही हम लोग सोर्स में हम लोग देते हैं सर एसी या डीसी सप्लाई, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। सोर्स में जो हम लोग एसी या डीसी सप्लाई दिया, या तो एसी भी दे सकते हैं या हम लोग क्या दे सकते हैं डीसी भी दे सकते हैं। एसी या डीसी सप्लाई दिए, ये जो पावर मॉड्यूलेटर, ये पावर मॉड्यूलेटर का इलेक्ट्रिक ड्राइव में बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है पावर मॉड्यूलेटर का। देखिए पावर मॉड्यूलेटर बेसिकली करता क्या है, पावर मॉड्यूलेटर ये जो होता है, जो यहाँ से इसको इनपुट मिला, यहाँ से जो इनपुट एसी या डीसी मिला, सपोज इट हम अभी मान रहे हैं यहाँ पे एसी इनपुट मिला है, ठीक है। ये एसी इनपुट क्या करेगा, एसी इनपुट इस पावर मॉड्यूलेटर इस मोटर को देगा, इस मोटर के इनपुट में देगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इसके इस लोड को कितना हमें करंट चाहिए, ताकि इसका कितना स्पीड पे रन करने वाली, उसके अकॉर्डिंग ये पावर मॉड्यूलेटर क्या करेगा, इस मोटर को क्या करेगा, करंट देगा, ठीक है, करंट देगा। लेकिन क्या होता है जब एसी की बात करते हैं, वहाँ पे कुछ ट्रांजिएंट की वगैरह आता है, ट्रांजिएंट की कंडीशन आती है जिसमें क्या होता है एक्सेसिव करंट, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में करंट बहुत ही ज़्यादा होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है जो टॉर्क होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है, यानी कि जब स्पीड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो उस समय टॉर्क हमारा क्या होता है कम लगता है। तो क्या होता है यहाँ पे इनपुट में, जब हम लोग इनपुट में जब क्या देते हैं यहाँ पे एसी करंट देते हैं, ट्रांजिएंट की वजह से एक्सेसिव करंट वजह से बढ़ने की वजह से क्या होता है कि लोड पे, जैसे हमको चाहिए यहाँ पे लोड, यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है, बस यहाँ पे क्या है शाफ्ट आपका कनेक्ट है, मैकेनिकल लोड यहाँ पे कनेक्ट है शाफ्ट, ठीक है। इस शाफ्ट को सपोज डेट 1500 RPM पे चलना था, ठीक है, 1500 RPM पे चलना था, रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है, यानी कि जितना यहाँ से हमको करंट देना था 1500 RPM हमको पर चलना था। लेकिन क्या हुआ कि इस मोटर को जब एसी सप्लाई दिया ट्रांजिट की वजह से, यहाँ पे जो इसका स्पीड आ रहा है ना, स्पीड आ रहा है हमको सपोज डेट 1400 RPM मिल रहा है, कितना मिल रहा है 1400 RPM मिल रहा है। 1400 RPM मिलने का मतलब कि जो मेरा डिजायरेबल स्पीड था 1500 RPM पर चलना चाहिए था, लेकिन चल रहा है क्या 1400 RPM पर। तो हुआ क्या कि सर यहाँ से क्या करेगा, इस लोड पे जाने से पहले फिर यह क्या करेगा, ये जो मोटर है इस सेंसिंग यूनिट, ये जो सेंसिंग यूनिट क्या है एक तरह से सेंसर का काम करता है, ये सेंस कर लेता है कि यहाँ पे जो स्पीड मिल रहा है कितना स्पीड मिल रहा है, और यहाँ पे जो आउटपुट में हमें स्पीड चाहिए था उसके कंपेरिजन में कितना स्पीड मिल रहा है। तो बस सेंसिंग यूनिट का काम यहाँ पे यही है, सेंसिंग यूनिट क्या करता है इस स्पीड को क्या करता है सेंस करता है, और उसके बाद फर्दर ये क्या करता है इस कंट्रोल यूनिट को कमांड भेजता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है बोलता है कि देखो यहाँ पे स्पीड चाहिए थे इतना और मुझे मिल रहा है स्पीड इतना, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल यूनिट का काम है कंट्रोल करना स्पीड कैसा मिल रहा है, आउटपुट हमें कैसा मिल रहा है, उसको देख करके ये कंट्रोल यूनिट क्या करता है यहाँ से फर्दर ये पावर मॉड्यूलेटर को देता है कि सर यहाँ पे देखिए हमको चाहिए था 1500 RPM और मिल रहा है कितना 1400 RPM। तो ये क्या करता है पावर मॉड्यूलेटर, क्या करता है फिर से वैसा इनपुट को, इनपुट पावर को क्या करेगा, इनपुट सप्लाई को क्या करेगा इंक्रीज करेगा। एज वी कैन से डेट, कह सकते हैं कि पावर मॉड्यूलेटर एक तरह से इन्वर्टर का भी काम करता है, ठीक है, एसी और डीसी, एसी टू डीसी। और सपोर्टेड कहने का मतलब क्या है, एसी और डीसी कहने का मतलब कि अगर एसी सप्लाई है और यहाँ पे मोटर सपोर्टेड क्या है एसी है, ठीक है, एसी मोटर है, लेकिन यहाँ पे हम लोग सप्लाई दिए हैं डीसी, तो ये डीसी को क्या करेगा पावर मॉड्यूलेटर एसी में बदल के यहाँ पे देगा, यानी कि पावर मॉड्यूलेटर एक तरह से इन्वर्टर का भी काम करता है। ये पॉइंट आप लोग हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। अगर सपोर्टेड सप्लाई यहाँ पे हम लोग दिए हैं डीसी और सॉरी अभी तो बताया सप्लाई दिए एसी और मोटर है क्या यहाँ पे डीसी मोटर लगा है, तो अगर ये पावर मीटर क्या करेगा इस एसी को इस डीसी में बदलेगा, यानी कि पावर मॉड्यूलेटर क्या करता है कन्वर्टर की तरह काम करता है, इन्वर्टर की तरह काम करता है, जो एसी और डीसी को और डीसी और एसी को बदलता है, ठीक है। तो पावर मॉड्यूलेटर क्या किया, यहाँ से जो कंट्रोल यूनिट आया था, जो कंट्रोल यूनिट आया वो क्या किया, यहाँ से इसको फर्दर कंट्रोल दिया कि सर हमको यहाँ पे आउटपुट पे इतना RPM चाहिए था लेकिन हमको मिला इतना ही,
ठीक है, इतना मिला तो पावर मॉड्यूलेटर क्या करता है फर्दर इसको इनपुट इंक्रीज करके देता है, और जो मेरा डिजायरेबल आउटपुट है, जो डिजायरेबल स्पीड चाहिए हमको, वो यहाँ पे फर्दर हमको क्या मिलता है, मिल जाता है आउटपुट पर। और जिस तरह से लोड होता है, लोड इज नथिंग बट आवर मैकेनिकल लोड होता है, कुछ नहीं मैकेनिकल लोड, जो हमारे जो इंडस्ट्री में जो मिल्स में जो चल रही होती है, जिससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होता है शाफ्ट से कनेक्टेड होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट दैट इज लोड। ठीक है, सेंसिंग यूनिट का समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए, अभी मैं बता रहा था, अभी क्या बता रहे थे सर, इतना दूर तक के, अभी क्या बता रहे थे, इतना दूर तक के हमें चाहिए क्या, इतना दूर तक अगर मैं छोड़ दूं, और इतना दूर तक छोड़ दूं, दिस इज क्या है मेरा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, एक तरह से क्या कर रहा है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की तरह ये वर्क कर रहा है। अब देखिए सर, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम ये होता है कि सोर्स, इसमें किसी प्रकार की फीडबैक की यूज नहीं होती है, मतलब कि हमको चाहिए आउटपुट में 1500 आरपीएम चाहिए स्पीड, लेकिन हमको कुछ वजह से कितना मिल रहा था, 1400 आरपीएम, ठीक है, 1400 आरपीएम मिल रहा था। लेकिन क्या हुआ कि जब ये आउटपुट ओपन लूप क्लोज सिस्टम है, इसमें किसी प्रकार की कंट्रोल यूनिट, किसी प्रकार की फीडबैक यूनिट की यूज नहीं होती है, डेट्स वाई सर ये ओपन लूप सिस्टम होता है, इसके कंपेरिजन में क्या होता है अनडिजायरेबल होता है, ठीक है, उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता है। लेकिन जब यही हम लोग क्लोज लूप कर देते हैं, जब फीडबैक का यूज करते हैं, सेंसिंग यूनिट और कंट्रोल यूनिट का जब यूज करते हैं, तो होता क्या है हमारा कि जो हमें डिजायरेबल आउटपुट चाहिए था, वो डिजायरेबल बाय द हेल्प ऑफ इसके यूज से हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट को प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग सर क्लोज लूप सिस्टम इफिशियंट होता है हमारा एज कम्पेयर टू किसके, ओपन लूप सिस्टम के। तो ये सब बेसिक, ये बेसिक था ये आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव। और यहाँ तक ले आप लोग की किसी प्रकार का दिक्कत है तो बताइएगा कमेंट करके, ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव, यहाँ तक ले हम लोग ब्लॉक ड्राइव को समझ गए हैं। अब देखिए, अब आ जाए एग्जाम में क्या आ जाए, एग्जाम में इसका लिखने के लिए राइटिंग स्किल्स भी आपको मैं बताऊँगा, क्या क्या चीज़ों को लिखना है, कैसे लिखना है। ठीक है, ब्लॉक ड्राइव ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव, सबसे पहले बात आपको फिगर याद होना चाहिए, और इस फिगर के बारे में आपको सर जो जितना भी चीज़ें समझ में आया है उतना आप लिख देंगे, ये ज़्यादातर आपका एग्जाम में 4 नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर में आ सकता है आपका, इससे ज़्यादा नहीं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में इसका आना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज जब सर हम लोग जब इलेक्ट्रिकल ब्रांच में कर रहे थे तो यहाँ तो इलेक्ट्रिकल ड्राइव से क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए थे, इसका बारे में तो पूछा ही नहीं गया था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें तो सिलेबस में है, तो सिलेबस में तो पढ़ना है यार, कैसे भी करके पढ़ना है, पढ़ना तो पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो देखो ये 4 नंबर पूछेगा, तो 4 नंबर में पूछने के लिए हमें उतना पूरा जा करके वहाँ पे पूरा हमको रामायण तो लिखना नहीं है, हमको लिखना है जितना हमारा काम चल जाए, जितना नंबर मिल जाए। तो देखो सबसे पहला, और 4 नंबर तुम अगर लेना चाहते हो तो इस ब्लॉक डायग्राम को तो सबसे पहले तुमको एकदम याद होना चाहिए, किसी भी हाल में इस ब्लॉक डायग्राम से ही तुम्हारा नंबर मिलने वाला है फुल। और फुल कैसे मिलेगा, सबसे पहले ड्राइव का डेफिनेशन आप लिख दो, ब्लॉक डायग्राम उसका बना दो, ब्लॉक डायग्राम बनाओगे एग्जामिनर हो जाएगा खुश, क्योंकि सर एग्जाम में जो होता है ना, एग्जामिनर क्या चेक करता है, वो राइटिंग तो पूरा एक एक अक्षर तुम्हारा तो चेक नहीं करने वाला है, उससे रिलेटेड तो जो तुम्हारा डायग्राम है वही को देखेगा। और क्योंकि वो एग्जामिनर समझता है कि जो लड़का डायग्राम बनाया नीचे इसका ही एक्सप्लेनेशन किया होगा, इसका ही डिस्क्रिप्शन दिया होगा, डेट इज एनफ। ठीक है, यही तुम्हारे लिए पर्याप्त है, इस डायग्राम को याद रखें, इसके बारे में क्या होता है अभी मैंने बता दिया, इसका फिलहाल मैं नोट्स भी दे दूंगा। ठीक है, ये सबका वर्क क्या है, कैसे वर्क करता है, और सबसे बड़ी बात है क्या, जब इसको अब तुम अपने लैंग्वेज में जब लिखोगे तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होगा। ठीक है, सोर्स क्या होता है, सोर्स इज नथिंग बट क्या होता है, एसी और डीसी। ठीक है, पावर वेंटिलेटर का काम बता दिए, मोटर क्या है, अब देखो सर एक होता है सर इलेक्ट्रिकल, एक होता है सर डीसी ड्राइव और होता है सर एक होता है एसी ड्राइव। ठीक है, डीसी ड्राइव और एसी ड्राइव कुछ नहीं है, जब मोटर को सर हम लोग एसी से यूज करेंगे, एसी से कंट्रोल करेंगे तो हो जाएगा मेरा क्या, एसी ड्राइव, और जब मोटर को सर हम लोग रख देंगे डीसी तो हो जाएगा मेरा डीसी ड्राइव, डीसी से जब स्पीड को कंट्रोल करेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज डीसी ड्राइव। ठीक है, सेंसिंग यूनिट का काम बता दिए, कंट्रोल यूनिट का भी काम बता दिए। ठीक है, अब इसका बात करते हैं हम लोग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिकल ड्राइव का यूज हम लोग, देखो सबसे पहला बात होता है, देखो एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव, इलेक्ट्रिकल ड्राइव हम लोग
यह होता है हमेशा फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन। पॉल्यूशन किसी प्रकार का इसमें पॉल्यूशन तो नहीं होता है, बिकॉज ऑफ नो एनी फ्यूल्स का यूज इसमें होता है, किसी प्रकार का फ्यूल्स का यूज नहीं होता है, दैट्स व्हाई ये फ्री फ्रॉम क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब ये देखो, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट द इलेक्ट्रिकल ड्राइव ऑपरेट्स ऑन ऑल द क्वाड्रेंट्स ऑफ स्पीड टॉर्क प्लेन। अब देखो सर, इसका मतलब समझ में आप लोग को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, देखो मैं बस थोड़ा सा बता देते हैं। द इलेक्ट्रिकल ड्राइव ऑपरेट्स ऑन ऑल द क्वाड्रेंट्स ऑफ स्पीड टॉर्क प्लेन। जो स्पीड टॉर्क का जो प्लेन होता है उसके चारों क्वाड्रेंट में सर इलेक्ट्रिकल ड्राइव होता है, ऑपरेट होता है। कहने का मतलब देखो, बता रहा हूँ थोड़ा सा बस बता देते हैं, इसको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे ये होता है मेरा क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है इलेक्ट्रिकल का है, लेकिन हमें पढ़ना नहीं है ज्यादा, लेकिन फिर भी बता देते हैं। यहाँ पे लिख दिया गया क्वाड्रेंट में क्या होता है, कैसे वर्क करता है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, ये हो गया तुम्हारा स्पीड हो गया, और ये हो गया तुम्हारा टॉर्क। जब दोनों पॉजिटिव होता है, जब दोनों पॉजिटिव था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये वर्क करता है फॉरवर्ड मोटरिंग। ठीक, फॉरवर्ड मोटर में रुक जाओ, इसको थोड़ा फॉन्ट को छोटा करने दो, दिख नहीं रहा सही से। क्या होता है जब दोनों पॉजिटिव रहता है, तो क्या होता है फॉरवर्ड मोटरिंग। ठीक है, इस तरह से ऐसे बढ़ता है। जब यहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होता है दोनों नेगेटिव, यहाँ पे एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो होता है क्या वर्क करता है, ये फॉरवर्ड मोटरिंग है, ये होता है रिवर्स मोटरिंग, और ये होता है फॉरवर्ड ब्रेकिंग, और ये होता है रिवर्स ब्रेकिंग। ये क्वाड्रेंट पे, चारों क्वाड्रेंट पे क्या करता है, बेसिकली वर्क करता है। ठीक है, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है इसका, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ड्राइव का। अब हम लोग देखते हैं, द ड्राइव कैन इजिली बी स्टार्टेड एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी रिफ्यूलिंग। अभी जैसे बताया कि किसी भी प्रकार का इसमें फ्यूलिंग का यूज नहीं करता है, जिसके वजह से क्या होता है, फ्री फ्रॉम ऑफ पॉल्यूशन होता है, किसी प्रकार का यूज नहीं होता है। क्योंकि सर हमको मोटर को चालू करने में किसी प्रकार का फ्यूलिंग के नहीं, हमको इनपुट में चाहिए एसी सप्लाई या डीसी सप्लाई, तो मेरा वर्क करना चालू कर देगा। ठीक है, द इफिशियंसी ऑफ ड्राइव इज हाई बिकॉज फ्यूअर लॉसेज अकर ऑन इट। सर यहाँ पे लॉसेज जब कम होती है तो हमारा इफिशियंसी क्या होता है, कम होता है। देखिए कैसे, क्योंकि सर मेरा इफिशियंसी होता है, इफिशियंसी क्या होता है, आउटपुट बाई इनपुट, इनपुट इज नथिंग बट इनपुट में क्या होता है आउटपुट प्लस लॉसेज। जब मेरा लॉसेज ही कम होगा, लॉसेज जो इनइफिशियंसी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लॉसेज होता है। ठीक है, लॉसेज जब कम होता है तो मेरा इफिशियंसी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिकल ड्राइव हैज वेरी द इफिशियंसी ऑफ ड्राइव इज हाई बिकॉज फ्यूअर लॉसेज। यहाँ पे लॉसेज बहुत ही कम होती है। ठीक है, अब देखते आगे, देखो द इलेक्ट्रिक ड्राइव हैज वेरी लार्ज रेंज ऑफ स्पीड एंड टॉर्क पावर। अभी मैंने बताया स्पीड और टॉर्क का जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था, इस चारों में क्या करती है, वर्क करती है, जिसके अनुसार से इसका बहुत ही लार्ज रेंज होता है, क्या स्पीड और टॉर्क और पावर में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, अब देखो इसका दियर वर्किंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इन्वायरमेंटल कंडीशन। यार इसको किसी भी इन्वायरमेंट की कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये किसी भी इन्वायरमेंट के कंडीशन में वर्क कर सकता है, चाहे वो गर्मी हो बरसात हो, हमें इससे किसी प्रकार का मतलब नहीं है। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, एडवांटेज में हम लोग इतना बात किए, अब हम लोग बात करते हैं डिसएडवांटेजेज ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव। ठीक है, डिसएडवांटेजेज ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव। अब देखो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो इलेक्ट्रिक ड्राइव का होता है, पॉसिबल ओनली फॉर इलेक्ट्रीफाइड एरिया। कहने का मतलब क्या, इलेक्ट्रीफाइड एरिया कहने का मतलब कि सर जहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिसिटी होगा, जहाँ पे मेरा पावर होगा, वहीं पे इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या करेगी, वर्क करेगी, रेदर देन किसी भी जगह पे वर्क नहीं करने वाली है। जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल सप्लाई होगा वहाँ पे क्या होगा, वर्क करेगा, ये सब जगह नहीं चल सकता है। ठीक है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है, दूसरा का एडवांटेज है क्या, इट कैन काउजेज नॉइज पॉल्यूशन, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्लायंसेस का यूज होता है, जिसके वजह से यहाँ पे थोड़ा नॉइज देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो अगला का क्या है, द इनिशियल कॉस्ट ऑफ दिस सिस्टम इज हाई। इनिशियल कॉस्ट करने का मतलब हुआ कि इसका जो लागत जो मूल्य होता है हाई होता है, ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेज का हम लोग यूज करते हैं, जैसे पावर मॉड्यूलेटर बताया, कंट्रोल यूनिट का बताया, सेंसिंग डिवाइस का यूज किया, जिसकी वजह से यहाँ पे इनिशियल कॉस्ट इसकी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है।
सर अब इसका बात है, इट हैज पुअर डायनेमिक रिस्पॉन्स, इसका सर डायनेमिक जो रिस्पॉन्स है इसका पुअर होता है। फिर है, फिर इसका क्या है, द आउटपुट पावर ऑब्टेन फ्रॉम दिस ड्राइव इज लो, जो इसका जो आउटपुट पावर जो होता है, आउटपुट पावर जो होता है हमको मिलता है जो लो मिलता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, जैसे अभी ब्लॉक डायग्राम में क्या पढ़े थे, ब्लॉक डायग्राम में पढ़े थे कि जो आउटपुट पावर होता है क्या होता है, हमको कंट्रोल यूनिट से जैसे फीडबैक से हमको क्या बार बार देना पड़ता है एट अ डिजायरेबल स्पीड को पारने के लिए, तो इसमें कुछ ना कुछ लॉसेस के तरफ जाते हैं जिसके वजह से हमें क्या मिलता है, जो आउटपुट में जो पावर मिलता है जो ऑब्टेंड होता है ड्राइव के द्वारा क्या होता है, लो होता है, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ द कंडक्टर्स और शॉर्ट सर्किट द सिस्टम में गेट डैमेज एंड ड्यू टू विच सेवरल प्रॉब्लम्स अकर। सर इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, अब देखो सर इलेक्ट्रिक ड्राइव जो है, इलेक्ट्रिक ड्राइव वर्क कर रही है पूरा एसी सप्लाई या डीसी सप्लाई पर, सर इलेक्ट्रिसिटी पर ही तो पूरी वर्क कर रही है। अब देखो क्या हुआ, कोई कंडक्टर का ब्रेकडाउन हो गया, कंडक्टर टूट गया जिसकी वजह से क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट होगा। शॉर्ट सर्किट करने का मतलब एक्सेसिव करंट, बहुत ही हाई मात्रा में करंट होगा, और करंट बहुत ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट जब प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, आग लगने का खतरा है वहाँ पे, और आग लगने का खतरा है तो वहाँ पर क्या होगा, बहुत जितने इक्विपमेंट से उसको जला सकता है कि नहीं, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकता है वहाँ पे, जितने भी वर्क कर रहे होंगे उनको भी क्या होगा, दिक्कत होगी, प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। यह हुआ सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, आप लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव के बारे में समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहां से अब हम लोग का अगले का जो टॉपिक चालू होता है, स्टेपर मोटर और सर्वो ड्राइव। आज के वीडियो में बस इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लोर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।